ओ हे गाइज, आज की इस न्यू वीडियो में फाइनली गाइज यहाँ पे आप जो कमेंट कर रहे थे यहाँ पे फाइनली यहाँ पे पेटीएम में न्यू अपडेट आने के कारण यहाँ पे पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं पेटीएम वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो पेटीएम बैलेंस यहाँ पे ₹0 शो कर रहा है। तो यहाँ पे गाइज मैंने अपने इस वाले मोबाइल में पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट कर लिया। तो फाइनली यहाँ पे जो पेटीएम के अंदर न्यू अपडेट आया है जिसमें गाइज पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो गाइज अगर आप भी एक्टिवेट करना चाह रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। अगर गाइज आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो आप बहुत ही इजी तरीके से अपने पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हो फिर से मैं पेटीएम वॉलेट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हो पेटीएम वॉलेट बैलेंस यहाँ पे पेटीएम बैलेंस ₹0 शो कर रहा है। तो इस तरह से गाइज आपका भी एक्टिवेट करना चाहते हो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कर लेते हो तो बहुत ही इजी तरीके से एक्टिवेट कर पाओगे। तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना है कि ये जो वीडियो देख रहे हो ना उसके जस्ट नीचे लाइक बटन दिया हुआ है तो पहले फटाक से जाकर एक लाइक कर देना है। लाइक कर देने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है कि अगर अभी तक मेरे चैनल पर नहीं हो तो जो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दिख रहा था वो अब ब्लैक कलर में शो हो रहा है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे यूट्यूब के अपडेट आने के कारण ये शो हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और बगल में जो बेल आइकन घंटी ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, उस वीडियो को सबसे पहले आप देखकर फायदा उठा सको। तो यहाँ पे गाइस आपको कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। तो फाइनली गाइस चलिए मैं आपको बता देते हैं क्योंकि गाइस यहाँ पे आपका समय ज्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि गाइस पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुका है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे पेटीएम बैलेंस ₹0 शो हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्टिवेट कर सकते हो इस वाले मोबाइल में। आपको एक्टिवेट करके बताते हैं, देख सकते हो इस वाले मोबाइल में मेरा एक्टिवेट हो चुका है। इस वाले मोबाइल में जैसे पेटीएम को यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे पेटीएम वॉलेट को जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो इनएक्टिव यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो पेटीएम वॉलेट यहाँ पे पेटीएम बैलेंस भी शो हो रहा है। तो चलिए इस वाले मोबाइल में मैं आपको बताते हैं कि कैसे मैंने एक्टिवेट किया अपने पेटीएम वॉलेट को। तो यहाँ पे गाइस चलिए इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे गाइस पहले आपको यहाँ पे पेटीएम को अपडेट कर लेना है। अपने यहाँ पे प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च मार लेना पेटीएम ने अपडेट कर लेना। मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया इसलिए यहाँ पे ओपन करने को शो कर रहा है। तो पहले आप अपडेट कर लेते हो तभी तो आपको मैं वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो पेटीएम का होम पेज आ चुका है। यहाँ पे सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद गाइस जैसे कि मैंने पहले आपको दिखा दिया था कि इस वाले मोबाइल में मेरा पेटीएम इनएक्टिव है, लेकिन उस वाले मोबाइल में इस वाले मोबाइल में मेरा पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट है जैसे कि देख सकते हो। तो लेकिन गाइस मैं आपको लाइव इसमें एक्टिवेट करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे गाइस सर्च बार में आने के बाद यहाँ पे केवाईसी सर्च मार लेना। तो यहाँ पे गाइस आप जैसे केवाईसी सर्च मार दो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो पेटीएम केवाईसी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चैट विद यूज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पे फिर से उनसे चैटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आई वांट टू कंप्लीट माय केवाईसी, तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद गाइस यहां पे आपको चैट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे गाइस आपको चैट कर लेना है और यहां पे आपको फुल केवाईसी लिखकर चैट कर देना है। तो यहां पे गाइस जैसे चैट कर लेते हो उसके बाद फिर से आपको यहां पे बैक आना है। तो यहाँ पे फिर से बैक आने के बाद फिर से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा केवाईसी नियर पॉइंट, तो इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो प्लीज सबमिट योर बेसिक डिटेल टू एक्टिवेट पेटीएम वॉलेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गाइस आप जिस माध्यम से अपना पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट करना चाह रहे हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर वोटर आई डी कार्ड। तो चलिए मैं आपको आधार कार्ड से ही पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट करके बता दें। तो यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया, आपको यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर है वो फिलअप कर देना और यहाँ पे आधार कार्ड में जो का नाम है वो फिलअप कर देना और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना और यहाँ पे एक्टिवेट माय वॉलेट पे क्लिक कर देना। चलिए मैं आपको सारा चीज फिलअप करके बता देता हूँ। तो फाइनली गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैंने फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद गाइज टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट माय वॉलेट पे क्लिक कर देना। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद गाइज फिर से ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करोगे इस तरह का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा गाइज। उसके बाद आप जैसे ही वेट करते हो उसके बाद फिर आपका यहाँ पे वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यहाँ पे गाइज बहुत सारे बंदे हैं जो एक्टिवेट करना चाह रहे हैं इसलिए गाइज इसका सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे गाइज आप जैसे इतना प्रोसेस कर ले तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप पेटीएम केवाईसी
एससी करना चाह रहे हो तो उस पर मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, तो फटाफट से गाइस आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पर। अगर नए हो तो अभी के अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पर गाइस उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैंने वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो यहाँ पर गाइस फिर से अगर आप KYC करना चाह रहे हो तो आपका भी फिर से यही प्रोसेस करना होगा, उसके बाद फिर आपके पेटीएम में फुल KYC हो जाएगा। तो फाइनली गाइस इस तरह से आप अपने पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने आपको लाइव प्रूफ पहले कर आपको इस वाले मोबाइल में करके बता दिया हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से एक लाइक कर देना है, लाइक करने के बाद गाइस अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो फटाक से जाकर अभी कभी जाकर शेयर कर दो। अगर अभी तक कॉमेंट नहीं किया तो फटाक से एक कॉमेंट कर देना कि आपका यहाँ पे वॉलेट एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं होता तो फिर इससे मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि गाइस आप लोग तो वीडियो को सही से देखते नहीं हो और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करते हो कि मेरा नहीं हो रहा है। तो आप पहले मैं जो बताया हूँ उसे फिर से बढ़िया से देख लो, उसके बाद फिर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक लेट टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।